हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजन। इस वीडियो में मैं आपको CSS टेक्स्ट मास्किंग के बारे में बताऊंगा। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे CSS टेक्स्ट मास्किंग हो रखी है। टेक्स्ट मास्किंग में टेक्स्ट की कलर की जगह बैकग्राउंड इमेज शो होती है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टेक्स्ट का कलर नहीं शो हो रहा है, कलर की जगह इमेज शो हो रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक फोल्डर क्रिएट करते हैं CSS टेक्स्ट मास्किंग नाम का। हम इस इमेज को यूज़ करेंगे, सो हम इस इमेज को इस फोल्डर के अंदर डाल देते हैं। अब हम अपना टेक्स्ट एडिटर ओपन करेंगे और अपनी HTML की फाइल को सेव कर लेंगे CSS टेक्स्ट मास्किंग फोल्डर के अंदर index.html। अब हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं। इसका टाइटल हम देंगे CSS टेक्स्ट मास्किंग और बॉडी टैग के अंदर हम H1 टैग लगाएंगे। H1 टैग के अंदर भी हम CSS टेक्स्ट मास्किंग लिखेंगे। हम यहाँ पे इंटरनल CSS यूज़ करेंगे, सो उसके लिए हमें स्टाइल टैग यूज़ करना पड़ेगा और हम स्टाइल टैग के अंदर H1 की स्टाइलिंग करेंगे। हम यहाँ पे H1 का कलर कर देते हैं रेड और टेक्स्ट अलाइन कर देंगे सेंटर। फॉन्ट साइज हम कर देंगे 8 em। फॉन्ट फैमिली हम कर देंगे एरियल। इसको सेव करते हैं और ब्राउज़र में इसको ओपन करते हैं। ये देखिए हमारा यहाँ पे टेक्स्ट शो हो रहा है। सो हम चाहते हैं कि जो इसका कलर रेड है वो ना शो हो और जो हम इमेज लगाए वो इसके कलर की जगह शो हो। सो उसके लिए हमें यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज यूज़ करनी पड़ेगी 1.jpg। ये देखिए यहाँ पे इमेज शो हो रही है, बट इमेज वो इस H1 के बैकग्राउंड में शो हो रही है। हम चाहते हैं कि इसके कलर की जगह इमेज शो हो। सो उसके लिए हमें यहाँ पे बैकग्राउंड क्लिप प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी। टेक्स्ट इसको सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारी बैकग्राउंड से इमेज तो रिमूव हो गई बट हमारे टेक्स्ट का कलर अभी भी रेड ही है। बट हम चाहते हैं कि टेक्स्ट कलर की जगह वो इमेज शो हो। सो उसके लिए हमें कलर को ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा। ये देखिए अब हमारी टेक्स्ट कलर की जगह जो हमने बैकग्राउंड इमेज लगाई है वो शो हो रही है। सो इसे हम गूगल क्रोम में ओपन करके देखते हैं। गूगल क्रोम में ये वर्क नहीं कर रहा है। सो गूगल क्रोम में इसको वर्क करवाने के लिए हमें बैकग्राउंड क्लिप प्रॉपर्टी के आगे वेबकिट लिखना पड़ेगा। तब ये गूगल क्रोम में वर्क करेगा। ये देखिए गूगल क्रोम में अब ये वर्क कर रहा है। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल।